सिटी न्यूज बुलेटिन के इस स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9096846111। Yes, you can.
अब सोचिए शरीर छोटे लेकिन शरीर के प्रति हमारी जो वासना है, हमारी देह वासना है वो नहीं छोटी, तो शरीर का छोड़ना कितना कठिन है, बहुत कठिन। इस पिंड के साथ हमारी वृत्तियां इस तरह से उलझी हुई है, बहुत कठिन है इसको अलग करना। मनुष्य के चित्त की जो वृत्तियां है वो धागों की तरह होती है, जब कुछ बहुत सारे धागे उलझ जाते हैं ना तो फिर उसको अलग करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो उससे भी बहुत सूक्ष्म तार है, जितना तार पतला होता है उतना उलझन को सुलझाना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमारी चित्त वृत्ति के तार तो इतने नाजुक है, इतने सूक्ष्म है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसे अनगिनत हमारी चित्त वृत्ति के सूक्ष्म तार है, और वो तार जब हमारे पिंड से चिपक गए हैं, पिंड से लिपटे हुए हैं, पिंड यानी शरीर, इस पिंड से शरीर से हमारी चित्त वृत्ति के तार ऐसे उलझ गए हैं, ऐसे लिपटे हुए हैं, न तोड़ न बन पाएगा न छोड़ न बन पाएगा, और यही है अंत समय की पीड़ा। लेकिन महादेव का भजन करने वालों को धीरे धीरे वो सारी जो उलझन है हमारी वृत्तियों की वो सारी सुलझ जाएगी, क्योंकि वो मृत्युंजय है। के समय पर हम विजयी हो जाए, शरीर छूटा और सारी उलझन न छूट गई, शरीर छोड़ना पड़ा तो हमारी हार है। और मृत्यु के पहले शरीर रूपी पिंड में चिपकी हुई हमारी वृत्तियां, लगी हुई हमारी वृत्तियां है, सूक्ष्म है, बहुत है, अनगिनत है, और उसको अगर हम छोड़ पाए अच्छे से, सारी वृत्तियां अपने आप निकल जाए, अलग हो जाए, देह में रहते हुए देह से अलग हो गए, तो फिर क्या हुआ, मृत्यु पर हमारी विजय, तो मृत्यु का इसके लिए शिव भजन अनिवार्य है। शिव आराधना करने वालों की स्वयं को मालूम भी नहीं पड़े, बस आप अपनी नियमितता बनाए रखें। ये नित्य होना चाहिए, शिव दर्शन, शिव को जल देना, सूर्य को जल देना, ये पंच महाभूत, ये पांचों शिवलिंग है, पृथ्वी रूपी लिंग को प्रणाम किया जाए, सूर्य लिंग को अर्घ दिया जाए, वायु लिंग को सुगंधित किया जाए, दर्शन किया जाता है, और जल उनके द्वारा उनका सदुपयोग किया जाता है, क्योंकि सारी चीजें जल के अंतर्गत है। महादेव को भगवान ने जो दिया आपको, अच्छे से पूजा करो, अच्छे से सामग्रियां चढ़ाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन केवल जल पर्याप्त, क्योंकि सारी चीजें जल से तो होती है,
जो भी कुछ चढ़ाया बने वो चीज बिना जल के तो बनेगी नहीं। चावल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, तुलसी पत्री चढ़ाई, जो भी कुछ सामान पूजा में चढ़ता है वो सामान बिना जल का तो बनता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जल के अंदर संपूर्ण सामग्री का अंश है, संपूर्ण सामग्री के बीच जल के अंदर मौजूद। और इसे केवल हम जल के द्वारा ही अभिषेक कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दें, उस भावना के साथ के संपूर्ण सामग्री जल के अंदर विद्यमान। जल संपूर्ण सामग्री है, ओंकार अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। फिर हमारी जिस प्रकार की भावना, भगवान के जिस आकार में हमारी आस्था, हमने जिस आकार को मन में धारण करना है उस प्रकार का नाम जोड़ दे, लेकिन ओंकार तो संपूर्ण पूरी सामग्री है। पंच महाभूत पंच लिंग है, इस पंच महाभूत को पंच लिंग समझ करके महादेव की आराधना करो और उसके प्रतीक रूप एक शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए। आराधना मात्र महत्व की नहीं है, आराधना में संकल्प महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है। एक समय को पकड़ के किया जाए कि इतने बजे जप करने के लिए बैठना है, तो फिर भले ही वो आपका नियम 5 मिनट का हो, 10 मिनट वाला हो सिर्फ, लेकिन समय की पकड़। संकल्प दृढ़ हो, हेतु उत्तम हो और समय में आगे पीछे ना हो तो एक छोटा सा विधान भी बहुत बड़ी सिद्धि प्रदान करता है। लेकिन मानव मन है बहुत सरक जाता है, बहुत जल्दी अगर आपने 8-10 दिन भी ठीक से किया तो फिर आप 10-12 दिन के बाद तो आज तो ठीक नहीं है, वो तो कभी आगे पीछे हो जाता है। कभी भी कर लो तो कोई तो चलता है, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर जीवन में शिवाराधन के द्वारा जीवन में कुछ शक्तियां अर्जित करनी हो तो मृत्यु के पहले मृत्युंजय बनना होगा। कभी कभी वर्ष में 1-1 महीना कोई ऐसा अवश्य रखना चाहिए कि हमें स्वयं को बांध करके शिव उपासना करें। समय के साथ स्वयं को बांधना है कि मैं इतने बजे बैठ जाऊंगी, और उद्देश्य कभी हमारा गलत नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ उद्देश्य। विश्व शांति के लिए करें, प्रभु प्रेम को बढ़ाने के लिए करें, भक्ति के लिए करें, वैराग्य के लिए करें, देश की सुखाकारी के लिए करें। हमारा जीवन भगवान के कोई विशेष कार्य में निमित्त बने, उस हेतु के लिए करें। गोरक्षा की भावना से करें, हेतु उत्तम हो, समय की पकड़ होनी चाहिए कि इतने बजे हमको लगना है तो इतने बजे आपको लगना ही, उतने बजे बैठना है। तो
उद्देश्य अच्छा है, संकल्प दृढ़ हो और समय के साथ स्वयं को बांधे। सबको मालूम है अपनी अपनी दिनचर्या, घर परिवार के लोगों की दिनचर्या, बच्चे कितने बजे उठते हैं, पति कितने बजे उठते हैं, पत्नी कितने बजे उठती है, माता पिता कितने बजे, अपना अपना काम सबको मालूम है, वो तो रूटीन है। और इसलिए आपको पता है आपको कब टाइम मिलता है, कब टाइम नहीं मिलता, तो उस सबको समझ लो और उसके बाद निर्णय करो कि मुझे खुद को बांध करके महादेव की आराधना करो। अब फिर उस आराधना का, जब तक का पूजन अर्चन का समय मात्रा बलि बहुत थोड़ी होगी, वह आपका मुश्किल से 10-15 मिनट का कार्यक्रम होगा, लेकिन अपने आप को बिना बांधे 10 घंटे करने पर भी आपको वो शक्ति नहीं मिली थी, खुद को बांध कर 10 मिनट करो उसमें जो आपको प्राप्त हो, ये करके दे। अब ठीक है, घूमते फिरते में जितना सांसों के साथ प्रभु का नाम वो जोड़ दो, वो ठीक है, वो साधना नहीं है, वो संस्कार है, हम भटक न जाए इसके लिए हमें करना चाहिए, लेकिन साधना तो इसी प्रकार होती है, समय में आगे पीछे नहीं होता, संकल्प दृढ़ हो और हेतु उत्तम हो, इतनी बात को पकड़ लो और उसके बाद साधना शुरू करो। 24 घंटे में आपकी लगेगी मुश्किल से 15-20 मिनट उसमें लगती होगी, लेकिन उससे जो परिणाम प्राप्त करोगे, आपने परिणाम प्राप्त करना है, बाकी तो सब भोग लिया, पिछले जन्मों में भी भोग लिया, करोड़ों जन्मों में संसार भोगा है, अब उसके लिए नहीं कर रहे, लेकिन आप स्वयं के अंदर एक ऊर्जा को महसूस करो, स्वयं के अंदर सात्विकता को महसूस करो, उस शिवरूप के द्वारा हमारे शिवत्व की जागृति हो रही है, उसका अनुभव कर पाएंगे। लेकिन साधना के लिए एक बात निश्चित है, साधना का समय भले ही 10-15 मिनट का हो, लेकिन जिसको भी शिव आराधना करनी है उसका आहार हमेशा हमेशा के लिए पवित्र होना चाहिए, वो ही साधना। जिसका पेट पवित्र नहीं है उसको साधना का अधिकार है। से लाभ तो नहीं होगा, शायद उसका नुकसान भी हो, पेट पवित्र होना। क्योंकि धर्म निष्ठा का प्रमाण पूजा पाठ नहीं है, व्रत उपवास नहीं है, धर्म निष्ठा का प्रमाण पेट। किसी भी व्यक्ति को धर्मवान मानना है कि नहीं मानना, तो उसका प्रमाण न पूजा पाठ है, न व्रत उपवास है, न वेशभूषा है, धर्म निष्ठा का प्रमाण केवल पेट है। पेट कितना पवित्र है उसी से निर्णय किया जा सकता है कि व्यक्ति धर्मवान है या नहीं, क्योंकि जिसका पेट अशुद्ध उसका तो सब कुछ अशुद्ध है ना, वो तो कभी भी उसकी वाणी अशुद्ध हो जाएगी, कभी भी उसकी दृष्टि अशुद्ध हो जाएगी, उसका तो कभी भी कुछ भी अशुद्ध हो जाएगा ना, जिसका पेट अशुद्ध। धर्म निष्ठा का आधार पेट। शरीर की सात्विकता हमेशा हमेशा के लिए हो, और भगवान ने इतना इतना कुछ बनाया है भोजन के लिए, फलों के रस से भी अच्छे से जी सकते हैं, तो फिर सब्जी रोटी मिलना तो बहुत है, कोई कम नहीं,
जरूरी नहीं है कि हम अपने पेट को खराब कर ले, किसी भी प्रकार के आहार को खा ले, क्योंकि जो इंसान का आहार में है, अन्य जीव अपना आहार में होता है, इसलिए बीमार नहीं पड़ते। किसी भी किसी को भी अन्य जीवों को इतनी बीमारियां नहीं होती। देखो पशुओं को अगर बीमारियां इस प्रकार की इंसान जैसी हो जाए तो ऐसा नहीं होता। चिट्ठी कितनी है, कितना मीठा खाती है, उसको डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि वो अपना भोजन है। अन्य पशुओं को ऐसा कुछ नहीं होता। अब पशुओं को नंबर आ जाए तो बकरी चश्मा कैसे पहनेगी, उसको नंबर आ गया। लेकिन बकरी को चश्मा नहीं आ जाता, दांत नहीं गिर जाते। नहीं डायबिटीज होता है किसी पशु को, कभी कोई चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपना हो जाता है। इंसान को भी अपना हो जाता है। लेकिन इंसान तो सबका भोजन, कुत्ते का भी भोजन करता है, शेर का भी करता है, पशुओं का भी भोजन ले लेता है। तो जो भोजन इंसान का नहीं है वो इंसान ग्रहण करता है तो वो शिव आराधना का अधिकारी नहीं होगा। पहला शर्त यह है कि वो अपने शरीर को शुद्ध करे। उसके बाद अधिकारी व्यक्ति साधना करता है तो साधना की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती। एक लोटा जल सब कुछ। वैसे तो जल महादेव अभिषेक दुनिया पर कौन करता है? दुनिया पर अभिषेक तो महादेव ही करते हैं। पूरी जगत पर परमात्मा अभिषेक करते हैं। हम तो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहे, ये तो हम अपनी कर्तव्यता, उतना भी करने में लोग सोचते कि इसकी क्या जरूरत है। कभी उसने सोच लिया कि इसकी क्या जरूरत है? तो पूरा प्रदेश पानी के बिना मरेगा, कभी उसने सोच लिया? ये तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की बात है। अभिषेक तो भगवान करते हैं और ये आपका दिया हुआ है, ये भगवान को जताने का तरीका है कि हम शिव जी को एक लोटा जल दे, सूर्य को एक लोटा जल दे। जब कोई सामग्री ना हो तब भी शिव पूजा हो सकती है, क्योंकि जल मात्र पर्याप्त है इसके लिए। लेकिन इस बात पर लोभी नहीं बनना है। महादेव को तो केवल जल चाहिए, तो हम और कुछ लाएंगे नहीं कभी। नहीं, कभी कभी जब जब मन करे अच्छे से अभिषेक, मन लगाकर अभिषेक। क्योंकि भगवान शिव से जब कोई जीवात्मा थोड़ा भी विमुख हो गया, एक बार भी कुछ समय के लिए भी हो गया, बस इस कथा से नारद जी यही बता रहे हैं। नारद जी विमुख नहीं हो सकते, लेकिन हम सबको बता रहे हैं कि थोड़ा भी विमुख हो गए तो फिर कितनी बड़ी गलतियां हो गई। वो प्रभावित हो गए भगवान की माया से। माया तब तब जीव को प्रभावित करती है जब जब जीव शिव के विमुख होता है। जब जीव शिव के सम्मुख होता है तब माया के बीच रहकर भी माया के प्रभाव में नहीं आता। जब हमारा मन शिव सम्मुख है, ऐसे में जो माया हमें मिलेगी तो हम माया से सत्कार करेंगे, गौ सेवा करेंगे, मदद करेंगे, किसी की परमार्थ करेंगे,
माया की भोगगति भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे सम्मुख व्यक्ति माया की भोगगति भी नहीं करेगा, शिव सम्मुख व्यक्ति माया से प्रभावित भी नहीं होगा, शिव सम्मुख व्यक्ति माया के अभाव से भी पीड़ित नहीं होता, क्योंकि माया भी उनकी सेवा में रहती। दुनिया में अगर समृद्धि सही में किसी के पास है तो वो शिव साधकों के पास ही होती। समृद्धि के कोई दाता है वो स्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि अगर मांगना है तो केवल और केवल महादेव से याचना करो, अन्य किसी से चाचिए गिरिजा पति काशी जा शुभव जाओ, इनकी सेवा मेरी सेवा जा।